नैनीताल पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 160 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 29,60,000 है। मोबाइल रिकवरी सेल की यह कार्रवाई शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर शुरू की गई थी। इन प्रार्थना पत्रों में उपलब्ध कराए गए IMEI नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया। टीम ने जनवरी 2024 से अब तक कुल 404 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 74,74,000 है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता का श्रेय मोबाइल रिकवरी सेल और नैनीताल पुलिस मोबाइल ऐप टीम को दिया। ये टीम आम जनता के खोए हुए मोबाइलों को वापस लौटाने में न केवल तत्पर है, बल्कि तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपनी क्षमता को साबित कर रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कुछ मोबाइल 2023 के हमारे पास पड़े हुए हैं जो गुमशुदा ने अपने हमारे यहाँ रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने शायद अपना जो मोबाइल नंबर वो बदल लिया है। तो उनका मोबाइल तो हमारे पास है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम नैनीताल की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी का मोबाइल यहाँ खोया और उन्हें अगर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तो एक बार आके वो पुलिस कार्यालय में संपर्क कर ले। हो सकता है उनका मोबाइल बरामद होने के बाद में हमारे ऑफिस में हो गया। मोबाइल गुम होते हैं, उनकी रिकवरी करने के बाद में समय समय पर हम उनके मोबाइलों को हैंड ओवर करते हैं। तो आज हमने पिछले 3 महीने में जो मोबाइल गुम हुए हैं और जो बरामद की हुई है उसमें आज 160 मोबाइल जो है हमने आज पब्लिक को वितरण करने के लिए रखे हैं। और अगर वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक हमने पूरे साल भर में 404 मोबाइल जो है इस तरीके से बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 75,00,000 रुपए के आसपास।